नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सेफ्टी ओशन में। मैं चंदन प्रताप सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं सड़क सुरक्षा में सीट बेल्ट और कार में हमारी बैठने की स्थिति से संबंधित कुछ बुनियादी बातों के बारे में, जिनका अनुसरण करना यानी कि पालन करना हमारे लिए साथ ही हमारे परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कार में बहुत से ऐसे सेफ्टी डिवाइसेस होते हैं जो कि ह्यूमन सेफ्टी के लिए होते हैं, यानी मानव की सुरक्षा के लिए होते हैं। उन सेफ्टी डिवाइसेस का क्या महत्व है, साथ ही उनका इस्तेमाल हमें कैसे करना है, इसके अलावा कार में किस प्रकार के इंटरलॉक्स दिए गए हैं उन सेफ्टी डिवाइसेस में, ये जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि हम खुद को साथ ही हमारे परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं किसी भी सड़क दुर्घटनाओं में। कुछ दिनों पहले आपने न्यूज़ में सोशल मीडिया पे ये सुना होगा कि साइरस मिस्त्री का कार दुर्घटना में निधन हो गया। उस कार दुर्घटना के बाद बहुत सारी ऐसी बातें निकल के सामने आई जिसका जानना हम सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है। इस एक्सीडेंट के बाद गवर्नमेंट ने भी सड़क सुरक्षा में कुछ नियमों में बदलाव किया, जैसे कि सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना है जो ड्राइवर है, को पैसेंजर है और पीछे बैठे हुए जो लोग हैं उन सभी को। तो इन नियमों में बदलाव किए गए गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा। तो इस एक्सीडेंट से कुछ लर्निंग्स भी सामने आई है, वो लर्निंग्स मैं आज आप सभी के समक्ष इस वीडियो के माध्यम से रखना चाहता हूँ। और साथ ही मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को देखें, समझें और इसका अपने निजी जीवन में अनुसरण करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सड़क सुरक्षा। आज के टॉपिक में हम सबसे पहले जानते हैं सीट बेल्ट और एयरबैग्स के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि सीट बेल्ट प्राथमिक सुरक्षा होता है और एयरबैग द्वितीयक सुरक्षा। इसका मतलब यह है कि बिना सीट बेल्ट पहने एयरबैग अकेले सुरक्षा नहीं करेगा, अगर रियल में देखा जाए तो यह नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए सीट बेल्ट पहनने के बाद ही आपका एयरबैग फंक्शन करेगा, काम करेगा। इसलिए आवश्यक है कि जब भी आप ड्राइविंग करते हैं तो उसमें सीट बेल्ट का इस्तेमाल आपको अवश्य करना चाहिए। सीट बेल्ट का इस्तेमाल करने के लिए नियमों में बदलाव भी किए गए हैं हमारी सरकार के द्वारा, जिसमें कि ये कहा गया है कि ड्राइवर, साथी, को पैसेंजर और पीछे बैठे हुए सभी लोगों को सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि स्टीयरिंग वाले हाथों को छोड़ के आपका बॉडी स्टीयरिंग व्हील से कम 300 mm दूर होना चाहिए। तो जब भी आप ड्राइविंग करते हैं ये सुनिश्चित करें कि आप जिस तरीके से अपनी सीट का पोजिशनिंग कर रहे हैं उसमें आपका स्टीयरिंग आपकी बॉडी से 300 mm दूर होना चाहिए। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि एयरबैग्स हो, सीट बेल्ट हो या फिर स्टीयरिंग व्हील्स हो, इन सभी का इस्तेमाल होने के बाद केवल जो ऑथराइज्ड डीलर होते हैं उन्हीं से इनका रिपेयरिंग, इनका मेंटेनेंस करवाना चाहिए। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है हेडरेस्ट। आप सभी को ये मालूम है कि कार की सीट में हेडरेस्ट दिए गए हैं जो कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। जब कभी एक्सीडेंट होता है, कार के साथ किसी चीज का टकराव होता है, उसका इम्पैक्ट आता है तो हमारी गर्दन पे भी इम्पैक्ट आता है। अगर हेडरेस्ट का सही तरीके से इंस्टॉलेशन नहीं किया गया है तो वो हमारे गर्दन को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि जब आप यात्रा करते हैं सीट के ऊपर, आप ड्राइविंग सीट पे हो या फिर को पैसेंजर सीट पे हो या फिर रियर सीट पे हो, ये सुनिश्चित करें कि आपका जो हेडरेस्ट है जो कि आपके कार में प्रदान किया गया है वो सही पोजीशन में हो, सही स्थिति में हो। हेडरेस्ट का दूसरा इम्पोर्टेंट ये है, किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में अगर आप किसी संकट में कार में अंदर फंस गए हैं तो आप उस हेडरेस्ट को निकाल सकते हैं और उसका इस्तेमाल कांच को तोड़ने में और बाहर निकलने में उसकी सहायता ले सकते हैं। तो ये आवश्यक है कि जो हेडरेस्ट है उसकी पोजिशनिंग सही हो और आप सुनिश्चित करें कि आपके सीट में हेडरेस्ट प्रदान किया गया है। गवर्नमेंट की नई रूल्स के मुताबिक सभी, चाहे वो आगे बैठे हो या पीछे बैठे हो, उनको सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य किया गया है। जब भी अपने परिवार के साथ, अपने चाहने वालों के साथ यात्रा करते हैं तो ये सुनिश्चित करें कि वो सभी यात्रियों ने सीट बेल्ट का उपयोग किया हुआ है। इसके साथ आपको ये सुनिश्चित करना है कि आप अपने कार में किसी भी प्रकार का क्रैश बार या साइड बार ना लगाएं। ये भले ही आपके कार की सुरक्षा कर सकते हैं लेकिन जब इम्पैक्ट होगा, जब किसी चीज से इसका टकराव होगा तो इसको इंटरलॉक्स दिए गए हैं आपके एयरबैग के साथ और इसका इंटरलॉक्स एयरबैग के साथ है जो कि ये निर्धारित किया गया है कि इम्पैक्ट होने के 35 मिलीसेकंड में एयरबैग फंक्शन करेगा। अगर आपने कार में आगे की तरफ क्रैश बार लगाया है, साइड बार लगाया है तो वो इम्पैक्ट होने के बाद उस डिजाइन को भी निरस्त कर सकता है जो कि एयरबैग के साथ इंटरलॉक्स दिए गए हैं। तो ये सुनिश्चित करें कि आपके कार में क्रैश बार ना हो, साइड बार ना हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात, यात्रा करने के लिए
दूरी की परवाह किए बिना सीट बेल्ट पहने। यह केवल लंबी ड्राइव के लिए नहीं है, यह प्रभाव है दूरी के लिए नहीं है। इट मीन्स हम हमेशा सोचते हैं ना कि हम नजदीक जा रहे हैं, थोड़ा मार्केट में ही जा रहे हैं, सीट बेल्ट का क्या इस्तेमाल करना है, कोई देख नहीं रहा है, तो हम डिस्टेंस का कैलकुलेशन करके अपनी सेफ्टी के बारे में सोचते हैं। बट इम्पैक्ट अगर होगा तो आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए कभी भी डिस्टेंस कैलकुलेशन ना करें, हमेशा सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें। कार निर्माताओं ने कार को बनाने में अद्भुत इंजीनियरिंग को शामिल किया है और उस अद्भुत इंजीनियरिंग को हमें और हमारे प्रियजनों की सुरक्षा के लिए उपयोग करना हमारे लिए आवश्यक है। सो इसलिए आपको सड़क सुरक्षा में आप हमेशा फॉलो टू नेवर थ्री, इट मीन्स दो बातों को फॉलो करना है और तीन बातों को नहीं करना है, ये अवश्य ध्यान रखें। फॉलो टू मीन्स यूज सीट बेल्ट व्हाइल ड्राइविंग, यूज क्रैश हेलमेट व्हाइल ड्राइविंग बाइक, इट्स फॉलो टू, यानी कि जब भी आप दुपहिया वाहन पे हैं तो आपको क्रैश हेलमेट का इस्तेमाल आवश्यक रूप से करना है। साथ ही जब आप फोर व्हीलर ड्राइव करते हैं, कार ड्राइव करते हैं, तो आपको सीट बेल्ट का इस्तेमाल आवश्यक रूप से करना है। इट्स फॉलो टू नेवर थ्री टू अवॉइड टॉकिंग व्हाइल ड्राइविंग, आपको फोन का इस्तेमाल नहीं करना है जब आप ड्राइविंग कर रहे हो। डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, किसी भी प्रकार का नशीली चीजों का सेवन करके आपको गाड़ी नहीं चलानी है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, अवॉइड ओवर स्पीडिंग, ओवर स्पीडिंग को अवॉइड करें। तो अगर आप फॉलो टू नेवर थ्री का प्रावधान रखते हैं जब आप गाड़ी चलाते हैं, तो आप सड़क दुर्घटना से बच सकते हैं और खुद को अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ बुनियादी बातें थी रोड सेफ्टी के बारे में, जिसका अनुसरण करना, जिसका पालन करना हम सभी के लिए आवश्यक है, हमारी खुद की सेफ्टी के लिए और हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल सेफ्टी ओशन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। इसके अलावा मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच शेयर करें, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में हम किसी अपने को खोने से बचा सके। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, वंदे मातरम।